हाँ तो दोस्तों, वीडियो के टाइटल, थंबनेल और स्टार्टिंग के कुछ सीन से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में क्या रहने वाला है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, माय नेम इज अमर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ एक वाटरफॉल जो कि हमारे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। और अभी मैं खड़ा हूँ हजारीबाग के कॉलेज मोड़ के पास। आप पीछे देख सकते हैं सेंट कोलंबस कॉलेज है और मुझे इसी रोड में आगे जाना है चरही। जी हाँ दोस्तों, चरही जाना है यहाँ, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। चरही से जस्ट पहले राइट साइड में एक गाँव पड़ती है, सड़बहा गाँव। जैसा कि मुझे पता है उसी गाँव में यह वाटरफॉल लोकेटेड है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स एंजॉय द शॉट्स। हजारीबाग से जो रांची रोड जाती है, हम अभी उसी रोड पे खड़ा है और मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये रोड आपको सीधे चरही बाजार ले जाएगी। हमें चरही बाजार की ओर बिल्कुल भी नहीं जाना है। हजारीबाग से रांची जाने वाले रोड पे जो चरही थाना है उससे जस्ट पहले मिलन पेट्रोल पंप पड़ता है। ये जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, इसे मिलन पेट्रोल पंप कहते हैं। हमें ऊपर ओवरब्रिज के ऊपर रोड नहीं चढ़नी है, हमें नीचे से जो सड़क है उसी सड़क के नीचे जाना है और हमें राइट साइड लेना है। सड़बहा गाँव नाम है इसका, सड़बहा गाँव में ही हमें जाना है। हाँ तो दोस्तों, आगे जाने के बाद आपको यहाँ से फिर एक टर्न मिलने वाली है और यहाँ एक काफ़ी बड़ा पीपल का पेड़ है और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है भरत पिछड़वा फॉल का 2 किलोमीटर। हाँ दोस्तों, यहाँ से 2 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे यहाँ के लोकल लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रोड काफ़ी ख़राब है। आप देख सकते हैं ये रोड मिट्टी का रोड है, ये मिट्टी का रोड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इधर सामने एक नदी है, आप देख सकते हैं ये नदी है। और ये जो नदी है यहाँ पर कोई भी पुल नहीं है और इस पुल को हमें ऐसे ही पार करना पड़ेगा, तैर के या किसी भी तरह हमें पार करना ही होगा। क्योंकि जो भरत पिछड़वा जो वाटरफॉल की खोज में हम लोग निकले हैं वो इससे 2 किलोमीटर और आगे है। हाँ तो दोस्तों, इस छोटे से बच्चे से ही हम खुद पूछ लेते हैं कि आखिर वो व्लॉगिंग प्लेस है कहाँ पे। बाबू यहाँ से कितना दूर है बाबू? किधर कितना किधर जाना पड़ेगा यहाँ से? इधर से रास्ता है। और तुम यहाँ क्या चीज कर रहा है बोलो? हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस छोटे से बच्चे ने बताया हमें कि यहाँ से ज़्यादा दूर व्लॉगिंग प्लेस हमारा नहीं है। भरत पिछड़वा कहते हैं इसको। इस बच्चे ने कहा कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इधर सामने से ही रास्ता है। और ये छोटा सा बच्चा, काफ़ी छोटा बच्चा और क्यूट है, ये मछली मारने यहाँ पे आया है। हाँ तो दोस्तों, फाइनली हमने इस नदी को पार कर लिया है और अब आगे एक भैया हमें मिले हैं जो हमें उस जगह पे लेकर जाएंगे। उस भैया से भी आपको मिलाएंगे आगे की वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो पक्की सड़क से अभी हम होके आए हैं, अब ये रास्ता हमें छोड़ना है और यहाँ से हमें राइट साइड की ओर मुड़ना है, ये वाला रास्ता। इसी रास्ते से आगे वाटरफॉल की ओर हमें जाना है। हाँ तो दोस्तों, इस कच्ची सड़क को पार करते करते काफ़ी एक से एक बेहतरीन नज़ारे हमें मिल रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है और शायद इसीलिए ही हजारीबाग को मिनी कश्मीर और मिनी शिमला कहा जाता है। आप देख लीजिए कितने बेहतरीन नज़ारा यहाँ का है। तो दोस्तों, इस कच्ची सड़क से आने के बाद आपको फिर से एक टर्न मिलने वाला है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट, लेफ्ट नहीं सीधा,
तो अगर आप सीधे रास्ते से जाते हैं तो आपको एक कच्ची सड़क मिलेगी तो जो डायरेक्ट वाटरफॉल के पास जाएगी, लेकिन बारिश की वजह से वो रास्ता भी ब्लॉक है। इसीलिए हमने डिसाइड किया इस रास्ते से जाने के लिए, और इस रास्ते से आगे जाने के बाद हमें एक पंचायत भवन मिलने वाली है और अपनी गाड़ी हम वहीं पे पार्क करेंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहां दलदलिया के पंचायत भवन के पास, और जैसा कि यहां के लोगों ने हमें बताया कि अभी बारिश की वजह से आगे रोड सही नहीं है और हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, इसीलिए हमने अपना बाइक यहाँ पर पार्क कर दिया है। ये पंचायत भवन है दलदलिया का, और अब यहाँ से आगे का सफ़र हम पैदल ही तय करेंगे। हाँ तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं भरत पिछड़वा, जहाँ एक वाटरफॉल है और काफ़ी खूबसूरत पिकनिक स्थल है, और इसके बारे में मैंने YouTube पे पहले ही देखा था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है, उसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाना चाहा। और फाइनली मैं इस एक ऐसे जगह पे पहुँचा हूँ जहाँ पे सोशल मीडिया तो शायद ही पहुँची होगी, और इस जगह पर पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी यहाँ पर मेहनत करना पड़ा, और फाइनली मैं अपने फाइनल व्लॉगिंग प्लेस के पास पहुँच चुका हूँ। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे हेल्प एक यहाँ के लोकल व्यक्ति ने की है, मैं उनसे भी आपसे बात करवाना चाहूँगा। हाँ तो दोस्तों हमारे साथ अभी यहाँ पर एक लोकल भैया हैं जिनका नाम महेश लकड़ा है, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस भरत पिछड़वा जगह का खासियत क्या है। हाँ तो भैया बताइए इस जगह के बारे में। वाटरफॉल है और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी में है। जगह का नाम क्या है यहाँ का? यहाँ दलदलिया, ठीक है, ग्राम सड़वाहा टोला, ये दलदलिया है। ठीक है ठीक है। वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा भैया? पिकनिक, वाटरफॉल और पिकनिक। किस नदी पे है? बोकारो नदी पे। बोकारो नदी पे, ठीक है। भैया के अनुसार यहाँ बोकारो नदी पे एक वाटरफॉल है जो काफ़ी खूबसूरत है, अब वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में, आखिर वो प्लेस क्या है। रास्ते में आपको इस तरह की सड़क मिलने वाली है, छोटी छोटी काफ़ी नदी पैदल ही पार करनी होगी। ये देखिए छोटी गंगा, इस छोटी गंगा को भी आप लोगों को ऐसे ही पार करना पड़ेगा कुछ इस कदर। देखिए दोस्तों रास्ता बिल्कुल नहीं भटकना है, मैं अभी फिर से रास्ता भटक जाता। ये देख सकते हैं आप, रेलवे ट्रैक है और ये वाली जो रोड है इससे आपको आनी है। ये जो कच्ची रोड है इसी रास्ते से आप लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ते जाने हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने जैसा मुझे बताया कि उन्होंने यहाँ पर आने के लिए एक कच्ची सड़क का निर्माण करवाया था, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि अभी बाइक वगैरह नहीं जा सकता वहाँ पर क्योंकि बारिश आ चुकी है और यहाँ बाढ़ जैसा माहौल बन जाता है। आप देख सकते हैं पूरा दलदल जैसा यहाँ पे बन गया है, काफ़ी संभल कर आना पड़ेगा यहाँ। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक दो रास्ते दिख रहे होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। आप लोगों को यहाँ से मुड़ना है राइट की ओर, और यहाँ से 500 मीटर आगे वाटरफॉल है। तो दोस्तों उस भैया के मुताबिक उन्होंने जैसा बोला था कि आप सीधे चले जाइए, आपको ट्रैक्टर वाली एक रास्ता मिलेगी, ये आप देख सकते हैं। शायद ये उन्होंने इसी रास्ते के बारे में हमें बताया था, बिल्कुल कच्चा रास्ता है, यहाँ पे सड़क तो है ही नहीं, इसे पगडंडी, सिंपल भाषा में कहे तो एक पगडंडी है, उसे चलते चलते हम लोग करीब 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं। हाँ तो दोस्तों यही वो रोड है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जंगल है, और साथ में मेरे दो फ्रेंड्स भी हैं। इसी लोकेशन में हमें आना था, काफ़ी मेहनत किया हमने यहाँ आने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी क्योंकि इस वीडियो में मेहनत काफ़ी है। मैंने 10 दिन पहले भी यहाँ आने का ट्राई किया हुआ था, लेकिन उस दिन बारिश की वजह से और वैसे भी हम लोग रास्ता भटक चुके थे सिर्फ, तो उस दिन ब्लॉग तो बन नहीं पाया, लेकिन फाइनली आज उम्मीद है कि हम लोग उस जगह पर पहुँच ही जाएंगे। कि एक भैया ने हमें यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन आज बताया है, और उन्हीं के लोकेशन के अनुसार हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ तो दोस्तों जिस वाटरफॉल की हमें खोज थी वो हमारे बिल्कुल पास है, पानियों की आवाज़ बिल्कुल हमें सुनाई दे रही है, और आप देख सकते हैं ये पीछे, मेरे पीछे साइड ये नज़ारा, ये जो आप मेरे पीछे साइड है ये वाटरफॉल का ही एरिया है, काफ़ी बेहतरीन जगह है, नेचर तो काफ़ी खूबसूरत है। हाँ तो दोस्तों मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप प्रकृति से प्यार कीजिए, नेचर से प्यार कीजिए, तो नेचर भी आपसे प्यार करेगी। हाँ तो दोस्तों जैसा कि मुझे पता चल गया कि हम लोग वाटरफॉल के पास पहुँच चुके हैं, अब आगे का नज़ारा आपको वाटरफॉल का दिखाते हैं।
मेहनत करना पड़ा। और मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि इस जगह पर पहुँचने के लिए मैं एक दिन पहले भी ट्राई किया था, लेकिन मैं यहाँ पर भटक गया रास्ता। और आज मुझे यहाँ के एक लोकल व्यक्ति ने काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे इस लोकेशन पर लेके आया। आप सभी अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आ सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोकेशन काफ़ी बेहतर है, जरा सा भी क्राउड नहीं है। पे आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगी तो सिर्फ और सिर्फ पानियों की गिरने की, जो मेरे जस्ट पीछे है। काफ़ी बेहतरीन जगह है, जितना तारीफ किया जाए उतना कम है दोस्तों। यहाँ पे आप पिकनिक मनाने के लिए यहाँ